हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 33 रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मजेदार सी सब्जी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट में आपका एक्सपीरियंस शेयर करना भूलिएगा नहीं। साथ ही में आज हम बनाते हैं एक मजेदार सी सब्जी जो है समर स्पेशल, जिसका नाम है, गुजराती में हम बोलते हैं केरी बटी काटू शाक, मतलब कच्चे आम और आलू की सब्जी। एकदम ही चटपटी मजेदार सी सब्जी हम बनाएंगे आज। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है आलू, 3 मीडियम साइज के आलू है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। साथ ही में लिया है आधा तोतापुरी आम, कम खट्टा हुआ, कम खट्टा वाला आम लेना है। तोतापुरी आम लिया है इसलिए मैंने आधा यूज किया है, अराउंड ये 100 ग्राम जितना क्वांटिटी है। अगर आप खट्टा वाला आम यूज करते हैं तो उससे भी थोड़ा कम यूज कीजिए। साथ ही में हमें सूखे मसाले लगेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा, हल्दी पाउडर, तड़के के लिए राई और जीरा, थोड़ा सा गुड़ है जो हल्का सा मीठापन देगा सब्जी को, कड़ी पत्ता है जो हम इसे ऐड करेंगे तड़के के लिए, और नमक। तो फ्रेंड्स, इसे हम बनाएंगे कुकर में। हो सके तो आप अवॉइड कीजिए एल्युमिनियम कुकर को, स्टील के कुकर में ही हम बनाएं, बिकॉज हम खट्टा यूज कर रहे हैं और खट्टा और एल्युमिनियम मिक्स होने पे थोड़ा डिटॉक्सेस होता है, तो इसलिए हम स्टील का कुकर यूज करते हैं। तो आज मैंने तड़के के लिए लिया है 2 चम्मच जितना ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर ऐड कर देंगे हम हल्का सा राई, और राई फूटने के बाद ऐड करेंगे हम जीरा। तो फ्रेंड्स, राई चटकने लगी है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम जीरा और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो करने के बाद ऐड करेंगे हम कड़ी पत्ता और उसके बाद ऐड करेंगे हम कच्चा मैंगो। हल्का हल्का मिक्स करना है कच्चा मैंगो। और उसी के बाद हम ऐड करेंगे आलू को। आलू को हम पानी के साथ ही ऐड कर देते हैं, हमें ये जो सब्जी है वो रस्से वाला, मतलब ग्रेवी वाला बनाएंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा ही लगेगा। बस मैंने आलू को वॉश करके इसके अंदर आलू डूबे उतना पानी लिया है, मतलब अराउंड मेरा 1/2 कप पानी है इसके अंदर यूज किया हुआ। मैंने ऐड कर दिया है पानी के साथ ही आलू को और गैस की फ्लेम को बढ़ा दिया। तो बस इसके अंदर अभी हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं, गुड़, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आपकी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। धनिया जीरा पाउडर 3 चम्मच और हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। साथ ही में ऐड कर देंगे हम नमक, नमक है अराउंड 2 छोटा चम्मच। तो ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। कुकर को अभी हम बंद कर देंगे और अराउंड 3 से 4 विसल तक प्रेशर कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 विसल होने के बाद कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो गया है। अभी हम सब्जी को खोल के देखते हैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से कुक हो गई है, लेकिन अभी हम जो हमारा ग्रेवी है वो थोड़ा थिक करेंगे।
गाढ़ा करेंगे। उसके लिए वापस हमें गैस की फ्लेम ऑन करनी है और जो आलू है उसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मैश करने से क्या होगा, जो पानी वाला हिस्सा है, जो हमारा ग्रेवी है, वो ठीक होगा और जो हमारी सब्जी है वो भी अच्छे से गाढ़ी ग्रेवी वाली बन जाएगी। आप देख सकते हैं एक से दो ही मिनट में हमारा जो ग्रेवी है वो मस्त थिक हो गया है और बस हमारी जो सब्जी है वो सर्व होने के लिए रेडी हो गई है। गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। बहुत ही मजेदार सी खट्टी मीठी टेस्टी हमारी आलू और केरी की सब्जी रेडी है। तो फ्रेंड्स एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में शेयर कीजिए।